आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक हमेशा आपको हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर और नई अपडेट देने की कोशिश करता है। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये पोलाराम सन्ना सीताराम वार्ड नंबर 1 पंचायत डिंग ब्लॉक सेरी की तस्वीरें हैं। देखिए कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है और बड़ी बड़ी स्कीमें देती है कि गरीब को मकान और दो वक्त का खाना जो है मुहैया करवाया जाए, लेकिन ये देखिए, अगर ये तस्वीर देखकर आप जान जाएंगे कि जिस तरह से सर्वे होते हैं, तो जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से हमारा ये कहना है कि ये सर्वे अगर होते हैं तो कहीं एक सीमित जगह पर बैठकर सर्वे किए जाते हैं। अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो देखिए किस तरह से पोलाराम का घर जो है कितना पानी पानी हुआ है। ये एक दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर किसान है और ये अपने बच्चों का दो वक्त का खाना ही जुटा सकता है, ये अपना मकान जो है नहीं बना सकता। लेकिन देखिए जो इसने अपने कच्चा मकान बनाया है, आज बारिश बाहर कम और इसके घर के अंदर ज़्यादा हो रही है। और इसका कहना है कि 2011 में हमें बोला था कि सर्वे में आपका नाम है, लेकिन 2011 भी गुजर गया, 2020 है, लेकिन इसका नाम सर्वे में नहीं, आज तक किसी ने इसको पूछा तक नहीं। लेकिन सरपंच रोमेश चंद्र की चौधरी की बात करें तो वो प्रॉपर जो है ऐसे कॉमों में आगे रहते हैं। उन्होंने भी सरकार से अपील की है, एडमिनिस्ट्रेटर से अपील की है, ये जो गरीब हैं इनको आइडेंटिफाई करके इनको पैसा दिया जाए ताकि ये भी मकान बनाए और ये भी अपने बच्चों का जो है सिर पे शटर हो और बच्चे भी पढ़ सकें और ये भी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सके। देखिए किस तरह से बुरी कंडीशन है मकान की और सर्वे लिस्ट में इसका नाम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो सर्वे लिस्ट में नाम उसका होगा जिसके घर के बाहर नेम प्लेट लिखी होगी कि ये किसी का निवास है, उसको सर्वे लिस्ट में पक्का रखा होगा, लेकिन इस गरीब आदमी को सर्वे लिस्ट में नहीं रखा। कहीं ना कहीं सर्वे जो करते हैं कहीं ना कहीं इन लोगों पर अत्याचार करते हैं जो कि आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं करते। जेके न्यूज़ ब्रेक की यही अपील है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको जो है प्रॉपर जो है मकान का पैसा और जो उनकी स्कीम्स होती हैं उन्हें प्रॉपर बताएं ताकि ये लोग भी सरकार का पैसा जो है इन तक पहुंचे और ये भी जिंदगी अपनी गुजार सकें। राकेश शर्मा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे वार्ड का एक मेंबर है, बोला रहा हूँ, उसका मकान है जो उसकी इतनी खस्ता हाल है, इसका अभी तक बेचारे का 2011 का कुछ सर्वे में इसका नाम नहीं आया, अभी भी 2020 है और अभी भी कुछ अभी तक इसका कुछ बना नहीं है। तो मुझे यकीन है कि प्रशासन है जो इसका भी नाम डाल के और इसका मकान का कुछ सोचेगी ताकि ये अपने बच्चे और बाल बच्चे को बचा सके। मैं हल्का पंचायत डिंग की वार्ड नंबर 1 में रहने वाला हूँ, तहसील मुशहरा का, और जो 2011 में सर्वे हुआ था उसमें मेरा नाम नहीं है। जो आप देख सकते हैं कि मेरे मकानों का क्या हालत है, मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी मेरे को कोई रिलीफ दी जाए जिससे मैं अपने मकान तैयार कर सकूं, इससे मेरा मतलब घर का कंडीशन सुधर सके। मैं अपनी जेब के खर्चे से दिहाड़ीदार आदमी हूं जिससे मकान नहीं तैयार कर सकता। ये वार्ड नंबर 1 है डिंग पंचायत में, ये पोलाराम जी है, इनके हम घर में पहुंचे हैं, इनका मकान जो है उसकी बड़ी खस्ता हाल है। मैंने देखा है कि हमारे सर्वे लिस्ट में जो 2011 में सर्वे हुआ था उस सर्वे में जो गरीब लोग हैं वो रह गए, जो डिजर्व करते थे लोग जिनको मकानों की जरूरत थी, वो जो मुलाजम थे जिन्होंने सर्वे किया उन्होंने इनका नाम ही नहीं डाला। हमने जिन लोगों के सर्वे लिस्ट में नाम थे जिनके मकान कच्चे थे हमने पूरी कोशिश करके उनको मकान की फाइलें दी हैं, कुछ चली गई हैं रजौरी और कुछ जो है मकान वो उनके पैसे आ गए हैं मकानों के, वो लोग बना रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं हमारी पंचायत में, मेरी डींग कलाल की जो पंचायत है यहाँ काफ़ी लोग हैं जो 8-10 लोग हैं बिल्कुल ही जो गरीब लोग हैं, इनका सर्वे लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण आज हमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये गरीब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनके पास मकान नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये कैसे काम चलाएंगे। मेरी एक ही गुजारिश है डीसी साहब से, अपने गवर्नर साहब से, कि इन लोगों की सुध ली जाए,
ताकि ये लोग जिन लोगों ने उस टाइम का सर्वे किया है, सर्वे लिस्ट में जिन्होंने नाम नहीं डाला, जो सही गरीब था वो वहां का वहीं रह गया, जो लोग थोड़ी अच्छी कंडीशन में थे उनके नाम डाल दिए गए। लेकिन ये एक डींग पंचायत की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह की यही प्रॉब्लम रही है जिन्होंने ये सर्वे किए थे। लेकिन आज मैं कहता हूं कि गवर्नर साहब से, अपने डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि जो नवी नई सर्वे लिस्ट बनाई है, आप जो ऑनलाइन किए हैं, रिकॉर्ड लिया है, उसको जल्द से जल्द उसको पास करें, उसको जल्द से जल्द भेजें, ताकि हम ऐसे गरीब लोगों के मकान बना सकें। क्योंकि इसका मकान गिर जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये आज मकान गिरे, हमारा भी दिल नहीं मानता। मैं अगर सरपंच चुना तो दिन रात लोगों के लिए काम करता हूँ, दाएं बाएं भागता हूँ कि ताकि इन लोगों के, गरीबों के काम हो। लेकिन जहाँ हमें भी अड़चन आती है कि सर्वे लिस्ट में आज इसका नाम होता तो आज इसका भी बेचारे को हम मकान देते, इसके भी घर में हम अच्छे तरीके से आते, खुश होता आगे से और हम भी खुश होके आते। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि जिन्होंने सर्वे किए उन्होंने से सर्वे गलत किए, जो लोग डिजर्व करते थे उनका नाम ही डाला। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन्होंने 2011 में जिन मुलाजमों ने यहाँ पे डींग पंचायत के अंदर सर्वे किया था, उनको पूछना चाहिए कि आपने ये क्या देखकर इनको, इनका सर्वे लिस्ट में नाम नहीं डाला। 2011 में इनकी कितनी खस्ता हाल होगी, जो 2020 चल रहा है तो इनमें जो जितनी खस्ता हाल है। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने डीसी साहब से, अपने गवर्नर साहब से कि जल्द से जल्द जो नई लिस्ट है सर्वे लिस्ट की, वो जल्द से जल्द उसकी अप्रूवल दे, उसको पास करें, ताकि हम इन गरीब लोगों की जो मदद है कर सके। थैंक यू।